आदाब, मैं हूं तारिक आजमी और आप देख रहे हैं पीएनएन 24 न्यूज। खबर वही जो हो सही। 12 रबीउल अव्वल का चांद दिखाई पड़ चुका है। तमाम आलम इस्लाम जश्न ईद मिलादुल नबी मनाने की तैयारी कर रही है। इस जश्न के मौके पे हर शहर में कोई ना कोई प्रोग्राम आयोजित होता रहता है। वाराणसी शहर में जश्न ईद मिलादुल नबी वाले दिन एक कदीमी जुलूस निकलता है जो रेवड़ी तालाब से निकल के पूरे शहर का चक्रमण करते हुए बेनियाबाग मैदान में जाकर के मुकम्मल होता है। इस जश्न के जुलूस के लिए तैयारियां अपने आखिरी दौर में चल रही हैं। बैठकों का सिलसिला जारी है। प्रशासन भी तमाम सुरक्षा व्यवस्था मुस्तैद करने के लिए तैयार खड़ा है। मुस्तैद प्रशासन ने कल जुलूस कमेटी के साथ बैठ करके एक बैठक किया। कल बुधवार को एसीपी दशा सुमेर की अध्यक्षता में जुलूस कमेटी के मानिंद लोगों के साथ एक बैठक हुई। बैठक में काफी कुछ तय हुआ, मगर आपका पसंदीदा कुछ भोपू मीडिया जो सिर्फ और सिर्फ झूठ परोसने की कसम खा करके बैठा है, उसने झूठ परोसने का सिलसिला जारी कर दिया। कल रात में एक समाचार पोर्टल के द्वारा यह समाचार प्रकाशित होता है कि इस बैठक में निर्णय लिया गया है कि किसी भी तरीके से जुलूस मोहम्मदी में सरकार की आमद मरहबा के नारे नहीं लगेंगे। इस एक खबर के आने के बाद से मुस्लिम समाज के अंदर आपसी बातें खुसफुसाहट तेज हो गई। हमने इस संबंध में आज एसीपी दशा सुमेर अवधेश कुमार पांडे से बात किया। अवधेश कुमार पांडे ने एकदम साफ साफ बताया कि किसी भी तरीके की कोई भी इस तरीके की पाबंदी नहीं है। जो भी धार्मिक नारे धार्मिक यात्रा में इस यात्रा में लगाए जाते हैं वो उस तरीके से लगा सकते हैं, जिस तरीके से डीजे बजाते थे लोग, जिस तरीके चलते थे सब कुछ। हाँ, उन्होंने ये जरूर कहा कि हाँ, यातायात व्यवस्था दुरुस्त रहे इसके लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा जो दूर दराज के क्षेत्रों से गाड़ियां आती हैं उन गाड़ियों के लिए जुलूस कमेटी अपना पास मुहैया कराएगी और एक व्यवस्था हो रही है कि एक ही जगह पे सारी गाड़ियों को मुकम्मल करके एक जगह इकट्ठा करके ला करके फिर वो जुलूस निकले, जिसमें काजिया शहर की गाड़ी पिछली बार के तरीके से पीछे ना रह जाए। अब सवाल ये उठता है, हम पत्रकार, हमारी जिम्मेदारी समाज को सच दिखाने की, मगर इस तरीके का कोरी अफवाह फैला करके आखिर हम कौन सा सच समाज को दिखा रहे हैं? किस तरीके की उहापोह की स्थिति पिछले 24 घंटों के अंदर अंदर मुस्लिम समाज के अंदर हो गई। इस जुलूस के अंदर जो बेशक नारे लगते हैं वो सरकार की आमद मरहबा, दिलदार की आमद मरहबा, आका की आमद मरहबा, दाता की आमद मरहबा, मक्की की आमद मरहबा, मदनी की आमद मरहबा, मरहबा या रसूल अल्लाह के नारे लगते हैं, परचम बुलंद होते हैं, इस्लामी परचम बुलंद होते हैं, तो फिर आखिर इनको किसने, जो आपके सामने भोपू मीडिया ने एक झूठा समाचार परोस दिया, तो आखिर इनको यह समाचार झूठा किसने दिया? एसीपी दशा सुमेध ने किसी भी तरीके का कोई भी बयान किसी भी मीडिया हाउस को इस तरीके संबंधित देने से साफ साफ इनकार किया है कि हमने तो किसी को बयान नहीं दिया। शहर काजी गुलाम यासीन साहब से भी हमारी बात हुई, उनका भी यह कहना है कि हमारे तरफ से इस तरीके का कोई बयान नहीं। तो फिर क्या इनके पास कोई विशेष दूत आया था जो एक वर्ग विशेष के अंदर इस तरीके की उहापोह की स्थिति पैदा करते? हम अपने दर्शकों को साफ साफ बताते चले कि किसी भी तरीके की कोई भी इस तरीके की पाबंदी नहीं है कि फला तरीके के नारे नहीं लगेंगे। आप बिल्कुल सरकार की आमद मरहबा का नारा लगा सकते हैं। प्रशासन ने सिर्फ और सिर्फ यातायात व्यवस्था सुदृढ़ रखने के दिशा निर्देश दिए हैं। आप लोग अमन और सुकून कायम रखे, ऐसे अफवाहबाजों से होशियार रहें। मैं अल्लाह हाफिज।